ওইদিকে ওইদিকে দেখো দেওয়াটি বল দে यार এই ক্যামেরা আসলে পুরো সরকার করে বিহাই হরে কৃষ্ণ হরি বল আমাকে ওই কোকড়াই নাই যা নিয়ে যাবে হরে কৃষ্ণ হরি বল তব শ্রী উত্তরা হ্যাঁ कहते उत्तरा जितने अच्छे अच्छे कलाकार मिस्त्रियों को बुलाए और उन्होंने उत्तरा कृष्ण को दर्शन किया था क्योंकि गर्भ में जब श्री परीक्षित महाराज थे कृष्ण ने ही उनको रक्षा किया उसको तो पागल है थे इसलिए उत्तरा वो कृष्ण को दर्शन की थी उत्तरा तो उन्होंने पूरा कृष्ण का मूर्ति वर्णना किया कृष्ण देखने में कैसे सारे कलाकार लोग सारे विद्या को देख करके कला को देख करके बड़े सुंदर के ठाकुर बनाए बोले देखो आप तो साक्षात कृष्ण को दर्शन किए हो देखो ये कृष्ण जैसे बना कि नहीं बोले नहीं ये कृष्ण का केवल मुखमंडल आया कृष्ण का केवल इसमें कृष्ण का मुंह जैसे इसमें आए अभी जो पहले जो ठाकुर देख करके आए गोविंद देव कहते ये गोविंद देव है कहते ये गोविंद देव को दर्शन करने पर साक्षात कृष्ण का मुखमंडल दर्शन करने का फल मिलता है साक्षात बुझ भर ले हमारे जे उत्तरा थिले हैं से समस्त मिस्त्री मान को डाकी गिरी पहले गोटे कृष्ण मूर्ति तैयारी करो कहीं कि ना हम तो बज्रनाभ कहले मत कृष्ण दर्शन कराओ बोले तुम्हारे मूर्ति द्वारा तुमको कृष्ण दर्शन करेगी से समस्त भल भल मिस्त्री मान को डाकी गिरी गोटे सुंदर कृष्ण मूर्ति तैयारी करले कहले ये कृष्ण मूर्ति है कृष्ण जमी थे कहीं ना से कृष्ण को देखी थे बोले खाली मुखमंडल आसी मुहटा जमी आ तेणु सी जे दिखाई आगे देखिकी आसिले ना गोविंद देव ताको दर्शन करले साक्षात कृष्ण कर मुखमंडल दर्शन कर फल मिल बुझ पार साक्षात और एक मूर्ति बनाए बोले बताओ ये मूर्ति कृष्ण जैसे बनाए बोले नहीं ये कृष्ण का जो बक्ष स्थल है कृष्ण का जो बक्ष स्थल है कहते इसमें केवल बक्ष स्थल आया उनका मुखमंडल नहीं आया चरण नहीं आया फिर वो ठाकुर का नाम रख दिया गोपीनाथ कहती ये गोपीनाथ दर्शन करने से साक्षात आपको कृष्ण का जो बक्ष स्थल दर्शन करने का फल साक्षात मिलेगा क्योंकि कृष्ण को जिसने दर्शन की उत्तरा उन्होंने ये ठाकुर जी को स्थापन किया है हैं और बज्रनाभ को द्वारा स्थापित किया कि कृष्ण का समय से द्वापर युग से ये ठाकुर कल द्वितीय मूर्ति तैयार कर ले द्वितीय मूर्ति तैयार कर ले बोले एटा कृष्ण का भाई है छी मैंने कहा कृष्ण को खाली छाती का जमती ना ताको बक्ष स्थल जमती या के तरह खाली बक्ष स्थल आसी ताको मुखमंडल आसनी चरण कमल आसनी तेरो से दियो का नाम रखला गोपीनाथ माने एक गोपीनाथ को दर्शन कर ले साक्षात कृष्ण कर बक्ष स्थल को दर्शन करवा एवं गोपीनाथ को दर्शन करवा गोटी बड़ फिर बोले बोले और एक मूर्ति बनाओ जितने कलाकार लोग और एक मूर्ति बनाया सुंदर एक मूर्ति बनाया बोले ये मूर्ति बना कृष्ण जैसे बोले नहीं इसी में तो कृष्ण का केवल चरण कमल आया है फिर उसका नाम रख दिया मदन मोहन अभी वो मदन मोहन करौली में कहते अगर एक दिन में अगर ये तीन ठाकुर को कोई दर्शन कर ले कत साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता है साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता है आपको तो बक्षस्थल आज आपको बक्षस्थल मिल जाएगा मुखमंडल मिल जाएगा और कभी समय होगा तो फिर हम चरण कमल दर्शन करने के लिए जाएंगे अगर दो दिन ही होना फिर दर्शन बढ़िया होता है हैं इसलिए बुझ भर ले तो आओ गोटे मूर्ति तैयार कर ले बोले कृष्ण का भाई है जी बोले कृष्ण का छंदा जमती चरण से छंदा चरण भाई कृष्ण तेनाली से दिवटे आसती करोली तेनाली गोटे दिन में तीन टा मूर्ति जब कहीं देखिए साक्षात जगन्नाथ कर साक्षात कृष्ण दर्शन करिवार फल प्राप्त हो कहीं मूर्ति से द्वापर युगर जी कृष्ण को साक्षात देखी थे से निजे से या ठाकुर का तेणु आम एत कष्ट देखो ये जो गोविंद देव पहले जो ठाकुर को दर्शन किया है और रूप गोस्वामी सबको सावधान कर देते हैं बोले भैया वृंदावन में मत जाओ अगर भूल भटकते हो ये वृंदावन में चले जाओ ना किसी तीर्थ घाट में मत जाना अगर वहां भी भूले भटकते हुए पहुंच गए खबरदार याद रखो ये गोविंद देव को एकदम दर्शन मत किया करो बोले क्यों बोले अगर दर्शन करोगे ना उनका जो मीठी मीठी हंसी उनका जो तिरछी चितवन उनकी जो मोर मुकुट हाँ उनका तिरछी चितवन नहीं वो तीर है अगर छाती में लग जाएगा ना इस पार से उस पार हो जाएगा अगर पत्नी देख लिया पति को भूल जाएगा पत्नी देख लिया तो पत्नी को भूल जाएगी बेटा देख लिया तो पिता माता को भूल जाएगा अगर पिता माता देख लिया ना बेटा बाटी को भूल जाएंगे
जो एक बार दर्शन करेगा सारा दुनिया भूल करके राधे राधे बोल और वृंदावन में समझ रहे हो। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उनका जो विग्रह पहले जो दर्शन किया, पहले जो दर्शन उनको जो दर्शन कर लिया, मतलब कृष्ण का मुखमंडल दर्शन करने का फल मिल गया। रूप गोस्वामी कहते हैं स्वरूप नए नहरे घरे के नहीं फिरे संसारी जीवे जो तो है सर्वनाश। एक बार अगर कृष्ण दर्शन कर लिया तो फिर संसार में उसको दो बार जन्म मृत्यु का चक्र में कभी बढ़ना नहीं पड़ेगा। संसार से चिरकाल के लिए पार होकर के भगवान को पास में चले जाएगा जो गोविंद देव दर्शन किया है। इसलिए हम लोगों ने इतने कष्ट करके यहाँ पर आए और इतना पैसा खर्चा करके इतना परिश्रम करके इसलिए आए। इनको दर्शन करने से साक्षात कृष्ण दर्शन फल मिलेगा। पहले ये ठाकुर वृंदावन में थे, लेकिन औरंगजेब का आक्रमण होने पर राजा मानसिंह वो परम भक्त कृष्ण का थे, उन्होंने सारे ठाकुर को यहीं पर ले आए। क्यों ले आए? यहाँ पर बड़े बड़े भक्त लोग हैं, यहाँ के जो जयपुर के लोग हैं ना, ये मीरा की देश हैं। यहाँ के आप देखना मंदिर में कितना भीड़ देखा, कितना इतना हजार हजार लोग यहाँ पर देखो, कितने गोप गोपिया वहाँ पर देखो, हजार हजार लोग रोज वैसे रोज रोज भीड़ होता है एक एक झांकी में, अलग अलग झांकी में बुझभर ले तो कृष्ण वृंदावन छाई की पढ़िया लेती कि ना औरंगजेब आक्रमण कर ले जे राजा थे राजा मानसिंह कृष्ण पर परम भक्त थे तेणु से वृंदावन छाड़ी की भक्त जोड़ी भगवान से थी तेणु राजस्थान लोक मैंने कृष्ण बड़ बड़ भक्त मंदिर देखते हजार हजार लोग परिक्रमा कर गोटे रंग साड़ी पिंधुंट गोटे गोटे झांकी लोक हमें तेणु आपने बहुत भाग्यवान जे आपने अभी हम जाएंगे दर्शन करने के लिए सीधा चलना राधा दामोदर। ये जो महीना है ये महीना का नाम राधा दामोदर, जिस विग्रह का नाम पर जो असली जो राधा दामोदर ये वृंदावन में नहीं, वो असली यहीं पर है। इसी महीना का इसलिए महीना महिमा है, राधा दामोदर व्रत है इसी महीना का नाम। क्यों? इसी महीना में मैया यशोदा कन्या को फल में डाल दी थी और इसी महीना में रास मंडल हुई तो गोपी गीत के बाद में कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। इसलिए जब प्रकट हुए गोपियों ने कृष्ण का चुनरी और राधा रानी का उत्तरी में कृष्ण का दुपट्टा में अच्छे तरह से बांध लिए, बोले कन्या बड़ा नटखट है हमारा राधा रानी को छोड़कर भाग जाता है। इसलिए कृष्ण का प्रेम में और मैया यशोदा का प्रेम में इसी महीना में बंध गए थे। इसलिए भगवान का वरदान है इसी महीना में थोड़ी सी अगर कोई प्रभु के लिए भक्ति करे, ठाकुर का कीर्तन करे, ठाकुर का दर्शन करे, हरि नाम करे, कहते भगवान असीम अनंत होते हुए भी उनका प्रेम में ठाकुर जी बंध जाते हैं। इसलिए अभी उसी मंदिर में चलेंगे, इधर उधर कोई देखना नहीं, सीधा पीछे पीछे बंद हो गए। कितना 11:30 बजे बंद हो गया, 11:15 खुलेगा दोबारा इतने जल्दी क्यों बंद हो जाता है? वहाँ पर हमारा एक भक्त है।